You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what... Hi everyone, welcome back to the channel. मैं फिर से आ गई और एक व्लॉग के साथ. आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ लास्ट वीकेंड ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग था एंड ऑल्सो हम लोग का थैंक्स गिविंग पार्टी था फ्रेंड्स के साथ. तो चलिए आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे आज का ये वीडियो. अराउंड मॉर्निंग 8 बजे हैं, हम लोग घर से निकल गए हैं. मोस्टली हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं इस बार, बट स्टिल हम लोग सोचे कि स्टोर जाके देखते हैं क्योंकि यू नो लास्ट ईयर हम लोग कहीं नहीं गए थे एंड इवन लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग भी नहीं गए थे कुछ शॉपिंग के लिए. और हम लोग आ गए वॉलमार्ट में. आप लोग देख सकते हैं पूरा जो स्टोर था ना खाली था, कोई लोग बहुत कम लोग होते थे. जनरली बहुत भीड़ होता था बट आजकल सब कोई ऑनलाइन करने लगे हैं तो काफ़ी लाइक खाली हम लोग को देखने को मिला जितने भी हम लोग स्टोर्स गए. एवरीवन, हम लोग आए हैं यहाँ पे वॉलमार्ट में. कोई नहीं आया है, मतलब बहुत एम्प्टी है और लग भी नहीं रहा है ना कि थैंक्स गिविंग मतलब ब्लैक फ्राइडे का कुछ डील है करके. जनरली हम लोग वॉलमार्ट नहीं तो टारगेट और मेसीज बैल की ये सब पहले जाते थे तो इस बार सोचे कि चलो चल के आते हैं. वैसे मैं मेसीज में ऑनलाइन ऑर्डर की थी कुछ चीज़ और जो एक दो चीज़ था जो कि मुझे लगा कि स्टोर जाके लेने से ठीक रहेगा तो हम लोग आ गए हैं अभी मेसीज. मेसीज आ गए. मेसीज में बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं था जिसके मैं बोली, फिर भी हम लोग कुछ शॉपिंग की. इसका जितने भी मैं शॉपिंग की हूँ आप लोग को नेक्स्ट कोई वीडियो में आप लोग शेयर करूँगी. एंड फिर वहाँ से मेसीज के पास बैल्क रहता है तो हम लोग उधर गए और बैल्क से एक दो तीन चीज़ लेना था वो हम लोग लेके फिर हम लोग घर आ गए थे. बट काफ़ी टाइम लगा था, दो इतना भीड़ नहीं था बट जो लोग शॉपिंग किए थे काफ़ी किए थे तो हम लोग को जो क्यू में रहना बहुत टाइम लग गया था. एवरीवन, अभी हम लोग आ गए हैं बैल. बैल में थोड़ा बहुत शॉपिंग किए, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी किए. एक कार्टन मिल गया, यहाँ पे कार्ट नहीं होता ना तो डिफ़िकल्ट होता है तो एक कार्टन मिल गया तो उसमें हम लोग ले हैं. मोस्टली बहुत ज़्यादा तो नहीं किलो ले रहे थे, मुझे थोड़ा सा बिग साइज़ का किलो मुझे चाहिए था जो कि यहाँ पे जो पिलो कवर होता है ना उसमें मैच करता है तो वो लिए. थक गई हूँ, मैं नीचे बैठी हूँ चुपचाप से और बस वही है. और अभी और दो स्टोर जाना है और फिर हम लोग घर चले जाएँगे. चलिए मैं फिर से बात करती हूँ लोगों के साथ. घर जब आए पूरे थक गए थे, लंच का टाइम भी हो रहा था, इवन हम लोग ब्रेकफास्ट भी बाहर किए थे. तो अभी हम लोग इंडियन एक रेस्टोरेंट से हम लोग पिक करके ले आए हैं लंच, खाना खा लेंगे. एंड इवनिंग को हम लोग का पॉट लॉक था तो उसके लिए कुकिंग भी मुझे करना था तो लंच करके हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लिए थे.
और जैसे कि मैं बताई कि हम लोग का पॉटलॉक था फ्रेंड्स के साथ, तो मैं आज बना रही हूँ मेरा फेवरेट इंडो चाइनीज़ कम्बो, जो कि है चाउमीन और चिली चिकन नूडल्स के साथ। और बहुत ही अच्छा लगता था हम लोग के यहाँ पे जो मिलता था। इतना अच्छा तो नहीं बना पाती हूँ, बट स्टिल अच्छा लगता है ये कम्बो। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जितना भी प्री प्रिपरेशन होता है वो कर ले रही हूँ। पहले से ही हम लोग क्या किए हैं, मेरे हस्बैंड चिकन को मैरिनेट कर लिए हैं। नाइट ओवर नाइट था ये, तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्का सा हल्दी दे दिया है मेरे हस्बैंड, जो कि नहीं देना चाहिए। आप चाहे तो दे सकते हैं, इट्स नॉट ये। और अभी मॉर्निंग को क्या कर रहे हैं, एग ऐड करेंगे। मैं 2 एग्स ऐड करूँगी, जितना क्वांटिटी का चिकन है उसके हिसाब से। अभी क्या कर रही हूँ, जितने भी दोनों के लिए, लाइक चिली चिकन के लिए और नूडल्स के लिए जितने भी सॉस चाहिए, उसको मैं एक एक दो जगह पे मिक्स कर ले रही हूँ। ये चिली चिकन के लिए है, इसलिए मैं ज़्यादा सॉस दे रही हूँ, जैसे कि सोया सॉस हो गया, रेड चिली सॉस हो गया, हल्का सा कैचअप हो गया, उसके साथ हल्का सा विनेगर मैं ऐड की हूँ एंड शुगर। एंड फिर मैं उसमें ऐड कर लूँगी जो रेड चिली, जो स्पाइसी वाला होता है, वो सॉस ऐड कर दूँगी। एंड ये हो गया चिली चिकन के लिए। एंड और एक छोटा सा बाउल के लिए मैं ऐड कर रही हूँ हल्का सा सोया सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस ओनली फॉर नूडल्स। चाउमिन टिके सादा कर मिना जाना। इंडो चाइनीज़ जो रेसिपीज़ होते हैं काफ़ी सिंपल होता है बनाना, बट हाँ कि इसका जो प्री प्रिपरेशन होता है ज़्यादा टाइम लगता है लाइक कुकिंग से। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, नूडल्स बना रही हूँ। अभी क्या कि मैं पैन में ऑयल ली हूँ, चॉप्ड जिंजर गार्लिक ऐड की हूँ, उसमें मैं ऑनियन ऐड की हूँ। ऑनियन को हम लोग 2 to 3 मिनट्स फ्राई करेंगे, वेज इज़ ऑलरेडी कट है तो इसको हम लोग तुरंत से ऐड कर देंगे। और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, आप अपना जितना क्रंची वाइट खाना चाहते हैं उसके हिसाब से 2 to 3 मिनट्स ही हम लोग इसको फ्राई करेंगे। मैं पहले कैरेट एंड जो कैबेज है उसको ऐड कर दी, एंड फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे जो हम लोग का जितना भी कम से कम जितना भी आपके पास कलर्स है आप लोग ऐड कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, हम लोग नूडल्स ऐड कर देंगे। और मैं नूडल्स को हल्का सा सॉल्ट एंड ऑयल देके मैं बॉईल की थी, और फिर उसके बाद मैं और थोड़ा सा ऑयल देके मैं रख दी थी। अभी क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अभी क्या करेंगे, ऊपर से अगर आपको सॉल्ट जितना चाहिए उतना ऐड कीजिएगा। जो सॉस है हम लोग ऐड करेंगे, उसके ऊपर से हम लोग ब्लैक पेपर ऐड करेंगे एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड ये मेरा नूडल्स जो है रेडी हो गया है। तो ये हो गया मेरे वेज फ्रेंड्स के लिए एक रेसिपी, आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। ये एक नॉन वेज रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, चिली चिकन, जो कि बहुत लोगों का फेवरेट होता है। और मैं जैसे कि बताइए, ओवरनाइट की मैरिनेट हो चुका है। और अभी क्या करेंगे, मैं एग ऐड की थी और उसके साथ ब्लैक पेपर ऐड की थी। अभी नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे इसमें जो हम लोग का कॉर्न स्टार्च है, और बस हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। तो ये 3 लेयर ऑफ मैरिनेशन हो रहा है, और फिर हम लोग इसको भी डीप फ्राई कर लेंगे। मैं एक बड़ा सा कढ़ाई ली हूँ, और उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी था तो कम टाइम लगेगा करके मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। सेम चिली चिकन बनाने के लिए मैं पहले से ही थोड़ा बहुत पीसेस कट कर ली हूँ, ऑनियन, कैप्सिकम, चॉप्ड जिंजर गार्लिक। तो सेम पैन में ही मैं क्या कर रही हूँ, ऑयल ले रही हूँ, उसमें मैं जिंजर गार्लिक ऐड करूँगी जो चॉप्ड है, और उसके साथ हम लोग चिलीज ऐड करेंगे। आप अपने खाने के टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा।
अभी क्या करेंगे हम लोग, डाइस्ड ऑनियन ऐड की हूँ मैं और मैं इसको फ्राई करूँगी नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास ग्रीन एंड ऑरेंज पेपर था तो अभी मैं ऐड कर दी हूँ। ऊपर से मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ एंड हल्का सा मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर। दिस इज़ वेरी ऑप्शनल, मुझे इसका जो फ्लेवर होता है अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐड की हूँ। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे थोड़े टाइम तक। ऑलरेडी मेरा चिकन फ्राई होके है तो मैं अभी इसको ऐड कर दूँगी। मुझे लगा कि चिकन के हिसाब से जो मेरा वेजीज का क्वांटिटी थोड़ा कम हो गया और थोड़ा देने से ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी क्या करेंगे, ऊपर से जितनी भी हम लोग सॉस बना के रेडी करके रखे थे उसको ऐड कर देंगे एंड फिर क्या करेंगे, जो सॉस का जो बाउल है उसमें मैं हल्का सा कॉर्न स्टार्च ली हूँ लाइक 1 स्पून होगा एंड उसके साथ थोड़ा सा वाटर ऐड करके मैं अभी इसमें ऐड कर दी हूँ। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा जूसी रहता है एंड सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छा लगता है खाने के लिए। और ये मेरा चिली चिकन भी रेडी हो गया है। अगर आपको अच्छा लगता है ये कम्बो, डू ट्राई दिस रेसिपी एंड मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। एवरीवन, अभी हमें खाना बनाई, नूडल्स एंड चिली चिकन बनाई हो। बहुत दिन के बाद मैं चिली चिकन बनाई और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे फ्रेंड के यहाँ। और ये हम लोग का पार्टी का मेन्यू था, मेरा नूडल्स है इसके साथ चिली चिकन है एंड एक फ्रेंड ने बनाया था बटाटा बड़ा जो कि आलू चोप बोला जाता है हम लोग के यहाँ पे, पूरी है और उसके साथ लजानिया मेरी फ्रेंड बनाई थी और फिर कोई चिकन करी भी लेके आए थे एंड छोले है यहाँ पे एंड इस तरह आए तो मटन करी है, राइस है, प्लेन दाल है एंड ये था हम लोग का थैंक्स गिविंग मेन्यू। काफ़ी एंजॉय किए थे सबको ये खाना एंड आई होप आप लोग भी एंजॉय किए होंगे आज का ये वीडियो। तो चलिए मिलती हूँ और एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।